लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से बालाघाट जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है, जहां लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर अलग अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ ऐसे भी हैं जहां बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, जिसमें अलग अलग मतदान केंद्रों में दूल्हा दुल्हन सीधे 7 फेरों के बाद मंडप से निकलकर मतदान केंद्रों की ओर जा रहे थे और मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा था कि दूल्हा दुल्हन सीधे अपनी विदाई के बाद घर जाने की जगह मतदान केंद्र क्यों पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा भी मतदान का प्रतिशत बढ़े एवं अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए मतदान के पहले ही मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। परिणाम स्वरूप 19 अप्रैल को मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने दूल्हा दुल्हन पहुंचे, जिसे देखकर हर कोई स्तंभित था कि डोली मंडप से निकलकर सीधे दूल्हे के घर जाना चाहिए वह कैसे मतदान केंद्रों में आ रही है, और दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के पोशाक में सर पर सहरा सजाए सीधे 7 फेरे लेने के बाद मतदान केंद्रों में अपना मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे थे, जिसमें हर कोई यह कह रहा था कि दूल्हा दुल्हन अपने घर जाने की बजाय अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में भी दिखाई दिया, जहां कुछ दूल्हे दुल्हन को अपने घर ले जाने की बजाय पहले दुल्हन का मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, तो वहीं कुछ बारात आने के बाद घर जाने से पहले दूल्हा मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। शहर के उपनगरीय क्षेत्र बोढ़ी में एक दुल्हन द्वारा डोली में बैठने से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इच्छा जताई गई, जिसके बाद वह दूल्हे के साथ स्वयं मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग कर डोली में विदा हुई। बताया जा रहा है कि उपनगरीय क्षेत्र में 18 अप्रैल को प्रदीप की बारात आई थी एवं शादी लगने के बाद 19 अप्रैल को विदाई के समय दुल्हन द्वारा मतदान करने की इच्छा जताई गई, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन शासकीय उच्चतर माध्यमिक बूढ़ी मतदान केंद्र पहुंचे और वहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदान करने पहुंचे मतदाता हर कोई डॉली और प्रदीप को दूल्हा दुल्हन की वेशभूषा में देखकर हैरान था और कुछ लोग खुश भी थे कि डोली में बैठने से पहले डॉली द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, जो बहुत सही था। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत भरवेली में भी एक दूल्हा बारात लेकर आने के बाद सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचा और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि भरवेली वार्ड नंबर 7 निवासी चेतन की बारात 18 अप्रैल को धनसुआ गई थी, जहां उनका विवाह निशा के साथ हुआ और 19 अप्रैल को विदाई के बाद धनसुआ में निशा ने अपने मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं जब बारात भरवेली पहुंची तो दूल्हा चेतन द्वारा भी अपने मताधिकार का प्रयोग भरवेली स्थित हाई स्कूल में किया गया। वहीं शहर से लगी ग्राम पंचायत गोंगलई में भी 19 अप्रैल को सुनील ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि सुनील की बारात 18 अप्रैल को वारासुनी क्षेत्र के टुमाड़ी गई हुई थी, जहां उनका विवाह भाग्यश्री के साथ संपन्न हुआ
उसके बाद 19 अप्रैल को विदाई के बाद सुनील सीधे अपने घर जाने के स्थान पर वह अपने मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें उनके साथ गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित नजर आए। बूढ़ी में एक और बारात जो कि सिवनी से आई थी, जिसमें 18 अप्रैल को सागर सिवनी से अपनी बारात लेकर बूढ़ी पहुंचे थे और उनकी रीति रिवाज के साथ 18 अप्रैल को शादी हुई। उसके बाद 19 अप्रैल को विदाई होना था और विदाई होने से पहले दुल्हन निशा द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही गई, जिस पर उनके परिजन और दूल्हे के साथ वह अपने मतदान केंद्र पहुंची और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद बारात सिवनी के लिए प्रस्थान हुई।